नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक। तो ये रचनाएं वो हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, यहाँ से आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा, तो साथ ही साथ लिखते रहना। तो चलिए देखते हैं पहली रचना। तो पहली रचना है चिदंबरा। तो इसकी लेखिका हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, और इन्हें चिदंबरा के लिए 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो आइए अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है जय सोमनाथ। तो इसके लेखक हैं के एम मुंशी जी। देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है जूही की कली। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है रंगभूमि। तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है यशोधरा। तो इसके लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये सारी रचनाएं आप लोगों ने लिख ली होंगी, और अब देखते हैं अगली रचना। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी आप लोगों के साथी इस वीडियो को देख सकें और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब बढ़ते हैं अगले रचना की तरफ। अगली रचना है आकाशदीप, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है महाभारत, और ये लिखी गई है वेद व्यास जी द्वारा। अब देखते हैं अगली रचना। और अगली रचना है रामचरित मानस, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो जिस भी रचना का आंसर आपको पता हुआ करे, आप सबसे पहले वीडियो को पोस्ट करके और कमेंट कर दिया कीजिए कि ये इसने लिखी है, तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो रामचरित मानस जो है वो आपकी लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा। अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है आपकी जयचंद प्रकाश, और ये लिखी गई है केदार भट्ट द्वारा। अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है खुमान रासो। तो इसके लेखक हैं दलपति विजय। साथ ही साथ लिख रहे होंगे आप लोग, और लिखने के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहें। और शेयर कर दिया कीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे कि वो भी इसके साथ जुड़ सकें। अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है चित्रावली, और इसके लेखक हो जाएंगे उस्मान। अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है मधुमालती। तो इसके लेखक हैं मंझन। अब बढ़ते हैं अगली रचना की तरफ। अगली रचना है विनय पत्रिका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। ये जितनी भी रचनाएं मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इनमें से ही परीक्षा में आपको एक मिल जाएगी। जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है, उसमें एक दो रचना अवश्य पूछते हैं। तो सारी लिख लीजिए आप, साथ साथ याद कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आप बढ़ते हैं अगली रचना की तरफ। और अगली रचना है गोदान, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आप सब ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछते रहते हैं। तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है प्रेम वाटिका, और इसके लेखक हो जाएंगे रस खान। अब बढ़ते हैं अगली रचना की तरफ। अगली रचना है सूरसागर। तो इसके लेखक हैं सूरदास जी। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सूरसागर से सूरदास जी अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगली रचना। अगली रचना है नीरजा। तो इसकी लेखिका हो जाएंगी महादेवी वर्मा जी। अब बढ़ते हैं अगली रचना की तरफ। अगली रचना है गीतांजलि। तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। आप देखते हैं अगली रचना।
अगली रचना है अनामिका, और इसके लेखक हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये तो रही रचना और उनके उनसे संबंधित कवि और लेखकों की एक वीडियो, इसकी एक वीडियो मैं और दे दूंगा जिससे आपके सारे कवि और उनकी रचनाएं हिंदी की जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।